आज के विश्लेषण खबर में जे के आपका स्वागत है। और आज कहना है मुझे कि देश में जितने भी प्रकार के जनगणना और जितने भी प्रकार के इलेक्शन जे की होती है, सब में भिन्नता जरूर पाई जाती है। दोस्तों, आज किसी जे की उस प्रकार से जे कि मुद्दा नहीं है कि हम इस बात पर जे कि बोले, इसका जे कि फोकस डायरेक्ट टू डायरेक्ट जे कि हो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस विषय में लोग दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते हैं। हमें इस बात से किसी प्रकार की कोई जे कि संवेदनशीलता जे कि नहीं होती है, लेकिन हमें जे कि इस बात पर जे कि फोकस करना और इस बात पर जे कि विशेष बात करना पड़ता है, इसलिए कि कहीं से ना कहीं से यह पता जे कि चलता है, लोगों का जे कि विचार रहता है कि कोई भी राजनीतिक हो, इसमें जे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। और इसमें परिवारवाद जे कि जब होता है तो वह जे की पार्टी अपने आप को राष्ट्रहित में जे की सर्वोपरि जे की नहीं कर सकती। अगर कहती है तो इसके लिए जे की वह खुद ब खुद जिम्मेवार होती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे अपने देश में जे की चुनाव लड़ती है और सर्वोपरि जे की इस टाइम जे की वह बनी हुई है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन कुछ ऐसी जे की पार्टी हैं जो अपना उत्तराधिकारी जे की घोषित करने में जुटी हुई है। अब इसका मुख्य कारण जे की यह है कि लालू यादव ने जे की अपना उत्तराधिकारी जे की तेजस्वी को जे की बनाया, फिर नीतीश कुमार भी अपने जे की किसी घरेलू संबंध से जे कि किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे, रामविलास पासवान जे कि अपने लड़के को बनाया, महाराष्ट्र में वही हुआ, हर जगह जे कि वही होता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपने लड़के अखिलेश यादव को जे कि उत्तराधिकारी बनाया। तो इसी बीच में जे कि बात आती है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को जे कि उत्तराधिकारी जे के बना दिया। तो इसमें जे कि तमाम तरीके की अड़चने या तमाम तरीके के जे की बात आती है। बीजेपी के कुछ लोग जे कि इस पे जे कि कमेंट करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जे कि किस तरीका से कमेंट करते हैं, लेकिन इस विषय पर जे कि थोड़ी सी जे कि फोकस कीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति जे की हो, व्यक्तिगत जे की मामला जब आती है तो अपना अपना जे कि लोग देखते हैं कि हाँ, हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई जे कि उत्तराधिकारी हो, राजनीतिक दल का जे कि मुखिया हो। तो इसमें जे कि बहुजन समाज पार्टी ने भी जे कि वही जे कि किया जो सभी लोग करते हैं, लेकिन कहते थे वो लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते थे कि जे कि नहीं, मायावती जी कहती थी कि नहीं जे कि ऐसा जे कि नहीं होगा, लेकिन आज वो भी उसी रास्ते पर जे कि चली हैं। और इसी की वजह जे की है कि आज देश में कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उनके लिए जे की बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से लगातार जे की चुनाव जे की हारते जा रही हैं। एक मिट चुका है उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य भी प्रदेशों में जे की बहुजन समाज पार्टी जे की धीरे धीरे जे की मिटती चली जा रही है, और अपने आप को जे की बीजेपी का बी टीम या किसी भी तरीका से जे कि प्रदर्शित करें, एक सलाहकार के रूप में जे कि प्रदर्शित करें, लेकिन आज जनता उनको नकार रही है। उसके पीछे रीजन है उनकी जे कि खुद की जे कि उस पे जे कि मुख्य रूप से जे कि अपना उत्तराधिकारी जे कि नहीं घोषित की थी, और आज उन्होंने जे कि घोषित किया है। तो आज अब आगे क्रमशः जे कि क्या चलता है, इस पर जे कि बात जे कि होगी, इस पर जे कि बात किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें आकाश आनंद को उत्तराधिकारी जे की घोषित करने के पीछे उनका मेन मकसद क्या है, 2024 का इलेक्शन में जे कि अभी 2 ढाई महीना 3 महीने तक जे कि बचा हुआ है, 3 महीना 4 महीना जो भी बचा है,
जल्द ही चुनाव होने वाला है, इसी बीच जे की एक सोची समझी रणनीति के और राजनीति के तहत जे की मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मेन लीड पे अध्यक्ष बना दिया, वो भी जे की भारत के सबसे राजनीतिक दल में वह तीसरा स्थान जे की प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल में इतना बड़ा जे की पार्टी का अध्यक्ष जे की बनाया गया है। अब इस पे जे की लोगों की क्या राय है, हम जल्द ही इस विषय पर जे की बात करेंगे कि लोग की क्या प्रतिक्रिया है। तब तक के लिए जे की क्या कहा जाए, जे की जब बन ही गया है तो उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, सभी लोग देते ही हैं, तो हम लोग भी जे की देते हैं कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जे की बनाया गया। आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर जे की बताएंगे।